ये बताओ कि मेरी लुक कैसी लग रही है। मैं जस्ट अभी बाल कटा के आया हूँ, तेल लगाया था अभी, लैब पानी खत्म हो गया था। तो आज का ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, आज के ब्लॉग में मैं क्या दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रीट लॉक की गई है मतलब की सरकार की तरफ से, कि वहाँ पे 6 बजे से लेके 8 बजे तक साइकिल चलते हैं, ओनली साइकिल और कुछ नहीं चलते। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, आज पूरी ब्लॉगिंग मैं उस एरिया की बनाऊंगा, फिर वीडियो स्विमिंग पूल पे वीडियो बनाने जाऊंगा। तो बस अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, नहाने का सिस्टम अपना पूरा तैयार है, अभी पानी नहीं था तो ये मेरा वाशरूम तो तैयार हो जाएगा, अभी बाल्टी भर के हम नहाएंगे। तो अभी मैं बाल धो लिए थे मैंने वैसे ही, ता जो तेल लगा के 1 घंटा सरसों का तेल छोड़ दो, बाल बहुत सॉलिड हो जाते हैं, ब्लैक रहते हैं। और मिस्त्री ने सजना लगा रखा था, मिस्त्री कहता क्या वीडियो बनानी है, चल रहा है यार, कौन सा ब्रांड है, ब्रांड दिखाता हूँ। मैंने आपको पहले भी ब्रांड नहीं दिखाया था, अब मिस्त्री है, मिस्त्री ये मिस्त्री ने लिखा है, लोहोरिया मुक्सरी। तो मैंने मिस्त्री के गाने बंद करवा दिए, मिस्त्री कह रहा छोड़ परे क्या वीडियो बनानी, मुझे थोड़ी सी वीडियो बनानी है, बनाने दे। तो ये मिस्त्री का सिस्टम है, इसमें चलते रहते हैं सजना ओ सजना। मिस्त्री के चेहरे पे स्माइल देखने वाली होगी, और ये मिस्त्री ने गुटका मुंह में पाके स्माइल करते हुए अभी मिस्त्री कुर्ता बना रहा है। ठीक है, किसी ने कुर्ता बनाना होगा मेरे से संपर्क करे, मैं लूंगा रिश्वत दबा दबा के। ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई कमेंट मत करना कुर्ता बनाने के लिए। पर ये ब्रांड है लोहोरिया, लोहोरिया आपने सुना ही होगा, काफी मशहूर लोग हैं। बनवाओ, ऑर्डर है बनवाओ, मिस्त्री तैयार है बनवाने के लिए, ऐसे चल मार के मिस्त्री कमीशन आती आती, जो भी पैसे आए आते आते। तो ये मेरी किचन है, मैं आपको किचन में दिखा देता हूँ। तो जा रहा हूँ नहा के आता हूँ 5 मिनट में। किचन अपनी एकदम चकाचक है, रोशनी रोशनी रोशनी, ये देखो रोशनी, किचन अपनी चकाचक है। तो अब मैं नहा के आता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि हम जाएंगे यहाँ पे साइकिलिंग होती है। नहा धो के एकदम तैयार हो गए हैं, असी सेटअप कुछ ऐसा है, अब हमने डालने शूज और निकल जाना है आपको वो चीज़ दिखाने के लिए कि जो बैरियर लग जाते हैं। तो वहाँ पे चले, चलो चले। फाइनली मैं उस जगह पे हूँ, यहाँ पे आप अभी ये जो मेरे पीछे सड़क देख रहे हो ना, ये वाली, ये सारी की सारी सड़क ब्लॉक हो जाएगी। और यहाँ जैसे अभी ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो भी व्हीकल चल रहे हैं वो चलने बंद हो जाएंगे, क्योंकि अभी 6 बजने में 5-7 मिनट पड़े हुए हैं। ये बैरियर पड़े हुए हैं, जैसे कि ये स्विमिंग पूल वाली सड़क है तो ये बैरियर पड़े हुए हैं, ये बैरियर अभी बंद हो जाएंगे, अभी पूरे 7 बजे ये बंद कर देंगे। और सभी एक एक बैरियर पे एक एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगी होती है, जैसे अभी कार चल रही है, बाइक चल रही है, ये देख रहे हो। फिर अभी 6 बजे, पूरे 6 बजे यहाँ पर सिर्फ साइकिल और पैदल चलने वाले बंदे चलेंगे, बाकी नहीं चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपा ना हाथों के आ गए हैं इतने सैर करने के, ये देखो ये आ गए हैं कि ये भी ड्यूटी करते हैं, इनकी ड्यूटी चलती रहती हैं। ठीक है, अभी शुरू हो जाएगा सारा सिस्टम, तो ब्लॉगिंग हमें नहा धो के आ गए। तो अभी सीन क्या है, अभी सीन ये है कि 4 बजने में पूरे 5 मिनट पड़े हैं, और मैं आपको लेके जाता हूँ पल्ली साइड। ठीक है, और अभी नहा धो के मैं आ तो गया, मैंने स्विमिंग की वीडियो बनाने जाना था, पर मैं उससे पहले लाइव आ गया, छोटा सा पग दिखाता हूँ, पग ये भी कैमरे में आ रहा है। पग मल की छोटा सारा चिब्बा सा, बड़ा बढ़िया बढ़िया लगता है। अभी मैं आपको इसका मेन मोटिव क्या है, सारा बैनर बुनर क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसका थोड़ा बहुत समझा दूंगा, मुझे इतना तो पता नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी 5 मिनट बाद यहाँ पे सिर्फ पैदल चलेंगे और साइकिल चलाएंगे, बच्चे साइकिल चलाते हैं कि पैदल चलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, शाम को मतलब कि क्या होता है कि संडे वाले दिन है, वैसे ये सारा दिन मतलब कि हर पूरे मंथ ये 24-30 मंथ ये ऐसे रहेगा, मतलब कि 6 बजे बंद होगा और यहाँ 6 बजे बिकल नहीं जाएगा, मतलब कि सिर्फ ये सड़क मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो वो वहाँ से लेके, ठीक है, मतलब कि वो यहाँ पे, वो वहाँ चौंक आ जाता है, वहाँ से लेके इधर हाईवे है, हाईवे तक ये सारा ब्लॉक हो जाता है, इधर कोई भी गाड़ी नहीं आएगी, कोई भी व्हीकल नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी जैसे देखते हो ये पैदल सैर कर, बीच में पैदल सैर कर रहे हैं जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ, और मैं थोड़ा ट्राइपॉड से भी शूट कर लूँगा, पर मुझे था कि ये मैं शूट करूँ। ठीक है ना, तो अभी हम बड़े बड़े प्लेस सारी, मैं आपको ये ब्लॉगिंग आपको देखने में शायद पता नहीं कैसा लगेगा, पर ये बहुत जो लोकल देख रहे हैं, लोकल मुझे इस चैनल पे काफ़ी जने जानते हैं, पर अगर आपको साइकिल चलाने का शौक है या फिर आप मोटे ज़्यादा हो तो यहाँ आके आप सैर कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होगा, जब यहाँ सारे जने सैर करते हैं ना, मोटिवेट बंदा बहुत हो जाता है, कब अपने 1000, 2000, 10000, 20000 स्टेप चल जाता है पता नहीं चलता। अगर आप यहाँ से पूरा एक उधर का एरिया और पूरा एक इधर का एरिया करोगे तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, धीरे 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 आप और ज़्यादा होने लग जाओ पतले और चिकने हैं। यहाँ पे अब रोज़ एक ट्रक के साथ चलता है जिसमें पौवे लगे होते हैं, वो यहाँ से, ये देखो यहाँ से एकदम मिट्टी क्लियर कर रखी है, बल्कि ज़्यादा तो नहीं फिर भी बल्कि क्लीन कर रखा है। तो
तो अभी हम जा रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी उसके लिए सॉरी। छः बज गए ये हो गए बंद ना, 6 बजे ये बंद कर देते हैं, बैरियर लग जाते हैं और यहाँ कोई गाड़ी नहीं अब अंदर जाएगी, कोई बाइक नहीं अंदर जाएगी, बस पैदल चलने वाले जाएंगे। पर कई बदतमीज जैसे होते हैं जो फालतू की बहस करते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसे ये बैरियर स्टॉप हो चुका है तो अभी सारे मतलब जितने भी है सारे के सारे अभी बंद हो जाएंगे अपने आप। अभी मैं आपको ना जो बोर्ड मेन बोर्ड लगा है पता नहीं वो हैगा या नहीं हैगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये साइकिल वाले मतलब कि अभी यहाँ पे साइकिल ही साइकिल चलेंगे, ओनली साइकिल, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा लगता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है, बंदा हेडफोनों में गाने लगा के साइकिल चलाया अपना आराम से, वो मज़ा आता है। मैं सोच रहा था कि मैं साइकिल ले लूँ पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आज मैं शूट कर रहा हूँ पर मेरे पास इतना टाइम होता ही नहीं है कि मैं करूँ मैं साइकिल पे ब्लॉगिंग करूँ, पर आपको इस ब्लॉगिंग में मज़ा ज़रूर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी छोटे छोटे बच्चों के साइकिल खड़े हुए हैं और बच्चे ऐसे पैदल घूम रहे हैं, सारे बीच नहीं है अब आगे, तो ये इनके साइकिल खड़े हैं, ये यहाँ घूमेंगे और अभी जो गाड़ी एक बार एंटर हो चुकी हैं वो अभी ये बाहर चली जाएंगी, ठीक है ना, वो गोली की तरह, ठीक है ना, फिर कोई चक्कर नहीं होता। पर जो बच्चे अच्छा वो भी साइकिल नहीं चलाते हैं। अरे अभी दिक्कत ये होगी, मैं आपको सड़क जो दिखाने वाला हूँ वो बंद होगी, ठीक है ना, ये झूम झूम कर दिए ये छोटे छोटे बच्चे और साइकिल चलाएंगे। फ्रेंड्स क्या सीन है, ये लगा है बोर्ड, मतलब कि ये वो बोर्ड है जो मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से आपको मिली है। मतलब कि आप यहाँ पे अभी क्या होगा, 6 बजे का टाइम है, यहाँ पे 6 से 8 मॉर्निंग में 5 से 7 यहाँ पे व्हीकल नहीं चलेंगे। तो अभी ये है गलियारा सीसिंग कुछ ऐसा है गलियारा, मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ। अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ये सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। पर ये सिस्टम क्या है कि इसमें आप साइकिल बच्चे स्कूटर चला सकते हैं, स्कूटर मतलब कि ये वाला स्कूटर जो आप देख रहे हो इसको स्कूटर बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं जो भी है। अभी ये 7 और 10 का डिवाइडर है, ठीक है, और फिलहाल तो यही सड़क है, शायद कुरुक्षेत्र में सिर्फ यही है, और है या और नहीं है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बाकी वेबसाइट आपको यहाँ मिल जाएगी अगर आपने इसकी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, बाइक और व्हीकल यहाँ पे, गाड़ी और व्हीकल यहाँ पे अभी नहीं चलेंगे। और ये 5 बजे से सुबह 5 बजे से 7 बजे तक सुबह के, शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक। तो ये सिस्टम कुछ ज़्यादा बढ़िया लगा, ठीक है ना। अभी सारे ब्लॉक हो गए, मैं अभी आपको सारा एरिया दिखा देता हूँ। कईयों की ड्यूटी भी लगी हुई है, कई पुलिस वाले नहीं है तो कई खुद ही करते हैं, पर ये बहुत अच्छा लगता है। बल्कि ये ना बल्कि कुरुक्षेत्र इसीलिए बांध के रखता है, यहाँ पे एकदम बल्कि मज़ा आ जाता है, एकदम जहर वाला मज़ा आ जाता है। और इसमें कुछ मैं आपको फॉरवर्ड में दिखाऊँ, देखो वो वाला बैरियर अभी अभी बंद हुआ है, वो स्टेडियम का रास्ता है, वो जस्ट अभी अभी बंद हुआ है, ठीक है। तो अभी इधर सैर करने के लिए फैमिली में आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, सारे आते हैं। तो अभी जैसे वो छोटे बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप। सीन कुछ ऐसा था कि मुझे था कि ये मैं ब्लॉग शूट करूँ, मतलब इस एरिया का ब्लॉग शूट करूँ, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने क्या किया, स्विमिंग की वीडियो कैंसिल करके आज मैंने इसका ब्लॉग शूट किया। मैंने सोचा कि चलो ये ब्लॉग शूट कर लेते हैं, लाइव मैं आ चुका हूँ और लाइव मैं आ चुका हूँ बस। अभी मैं आपको बैकग्राउंड में साउंड लगा के भी आपको थोड़ा सुख दिखाऊँ। ये बैरियर हो गया बंद, ठीक है। अब यहाँ पे ये बूढ़े घुसड़ को ये नहीं पता कि बंद हो चुका है, फिर भी अंदर घुसा रहा है। तो अभी बंद हो रहे हैं तो सारे अभी बंद हुए भी नहीं होंगे, अभी बच्चे अभी इतने आए भी नहीं है। जैसे देख सकते हो ये चौक है, ठीक है, ये पूरी की पूरी सड़क सीधी जाती है, ठीक है। यहाँ पे ड्यूटी लगी रहती है कॉन्स्टेबल की, ठीक है, और ये सड़क सीधी अभी यहाँ तक जा रही है। मैं आपको वो एरिया भी दिखा दूँगा, अब हमने सैर करनी है तो इसी पर करेंगे, ठीक है, अब हम सीधे जाएँगे। तो फ्रेंड्स ये एरिया है, मतलब कि वो जो वहाँ तक मैंने जो सड़क दिख रखा है, चेक कर सकते हो, यहाँ तक लोग है, मतलब कि ये आगे हाईवे आ जाता है तो हाईवे से कट बंदा मार ही देता है, तो फिर अगर वहाँ सबको समझाने लगे तो ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, यहाँ से जाता है 7 को रास्ता, ठीक है, मतलब कि सेक्टर 7 को, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे बैरियर सारे लगे हुए हैं। अब ये पूरी सड़क पे सिर्फ ओनली पैदल और अपने साइकिल वाले बंदे चलेंगे, ठीक है ना, साइकिल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, साइकिल चलेंगे ओनली, ठीक है। और ये देख सकते हो कि जो व्हीकल बुक अपना कट मारते जा रहे हैं इधर, पर अभी इसको काफ़ी टाइम हो गया, बल्कि 15-20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, शायद 1 महीना ही हो चुका है। तो इसलिए अब सारे मतलब कि पता है कि इस वेले ये सड़क बंद होती है, पर कईयों को कई वाले ना ऐसे दिमाग से ऐसे होते हैं ना जो बहस करने लग जाते हैं, खासकर जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे ना वही प्रॉब्लम करते हैं, जो अनपढ़ है या कम एजुकेट है वो तो समझ जाते हैं, एग्री जल्दी समझ जाते हैं, जो पढ़े लिखे हैं या अमीर है ना वो अपनी चोट दिखाते हैं, पैंचो जाना क्यों नहीं देना, ये है वो है, ये गलत रूल है, ये खुद मतलब जो सरकार ने पास कर दिया वो गलत है। मतलब यहाँ सारे सैर कर रहे हैं, सारे परिवार, सारे छोटे छोटे बच्चे साइकिल चला रहे हैं, उनको बाइक लेके जानी है, उनको गाड़ी लेके जानी है, पर बस अब सही है, अब काफ़ी हद तक है। मैं सबको नहीं बोलता, पर जो ऐसे है कुछ गिने चुने जिनको ज़्यादा अहंकार होता है कि नहीं जी
अब पता तोपची है हमारी बात कैसे कोई टाल सकता है, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। तो अब मैं आपको सीन दिखाता हूँ कौन कौन से बच्चे कैसे चलाते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चला के थोड़ा फॉरवर्ड में, नहीं तो बोर हो जाओगे, ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब क्या सीन रहता है कि अभी देख सकते हो सारे साइकिल भी चला रहे हैं और पैदल भी घूम रहे हैं, तो ये सीन काफ़ी बेटर रहता है। तो सारे बहुत बढ़िया भाई, तो ये सारे साइकिल चलाते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है शाम को इस टाइम पे और काफ़ी बढ़िया लगता है। अब बैकग्राउंड में हल्का सा म्यूजिक लगा दे, वैसे अगर आप हेडफोन लगा के मतलब कि साइकिल चला रहे हो या पैदल घूम रहे हो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हेडफोन लगा के नहीं करना चाहिए, पर आपको पता है कि सिंगल ट्रैक है, सिंगल सिंगल ट्रैक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो इधर भी है और सामने वाला ट्रैक भी है, जो भी आप ट्रैक यूज़ करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि हाँ भी सामने से टक्कर आ जाएगी या पीछे से कोई मार देगा, तो इजीली है, साइकिल है पैदल है, आप अपने गाने लगा के इंजॉय करके इजीली आप साइकिलिंग कर सकते हो यहाँ पे, पैदल भी चल सकते हो, जो कि काफ़ी बढ़िया रहता है। ठीक है ना, आप लुक देख सकते हो कि पैदल भी घूम रहे हैं, आप देख सकते हो सिंगल ट्रैक है, इजीली उधर और इधर दोनों साइड में ट्रैक चलते रहते हैं। ठीक है ना, तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, अब इधर से जाके अगे उधर से घूम के आ रहे हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारे सेम, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था ना बैरियर, इसके मैंने आपको दिखाए थे उधर से इधर तक सारे बैरियर, ए टू जेड बैरियर आपको मैंने दिखा दिए हैं। ठीक है, अभी आई होप कि इसमें आपको साउंड भी बहुत क्लियर आ रहा होगा। ठीक है ना, तो मैं तो वैसे गाने सुन रहा था पहले बैठा, पर चलो आज का आप लोग बढ़िया सा शूट करने के सोचा था मैंने कि हो जाएगा, पर ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये बहुत अच्छा लग रहा है, कि मतलब कि ऐसे मैंने हेडफोन इसलिए लगाया क्योंकि अगर यहाँ डाल तो ये आपस में टकरा के इसमें साउंड आते हैं। वैसे मैं इसके लिए माइक नहीं यूज़ कर सकता, एक मिनट, तो इसके लिए मैं माइक नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि ये ना इसमें टाइप सी है, दूसरा होता तो बोया का मैक मैं इजीली यूज़ कर पाता, पर मुझे बोया का मैक की जरूरत नहीं, तो सिंपल सा वो होता ना तार सी होती है, वो छोटे मैक यूज़ कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं बाकी S9 Plus मेरे पास इससे पहले फ़ोन था तो मैं वही यूज़ करता था। है कुछ ऐसा कि मेरी न्यू कटिंग कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, वैसे मैं क्या करता हूँ, छः महीने में मैं ना पूरा गंजा हो जाता हूँ। ठीक है, वैसे मुझे बाल छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पसंद है, मुझे ऐसा होता नहीं, मुझे स्टाइल नहीं करना होता कि बाल खड़े करने हैं या वो करने हैं। जब मैं डांस सिखाता तब मेरा मुझे बहुत था कि मैं बाल खड़े करने, कभी खड़े कर देता हूँ, कभी कलर कराया, मैंने बहुत स्टाइल किया है। क्योंकि इसी चैनल पे पहले मेरी बहुत डांस की वीडियो थी जो मेरी डांस की एकेडमी थी, तो अभी नहीं है, अभी मैंने वो सारी वीडियो डिलीट कर दी। कारण क्या था, उन सब पे कॉपीराइट स्ट्राइक था, क्योंकि वो मैंने गाने डांस जो डांस होगा वो गाने पे होगा, तो गाने पे मैंने डांस किए उसे, तो अभी मैंने दो चक्कर मार लिए, मतलब वहाँ से एक पूरा राउंड मार लिया मैंने, अब आराम से बैठे हुए हैं। जहाँ पे सीटिंग का सिस्टम भी है, सीटिंग का सिस्टम है वो गाने। तो फ्रेंड्स सीन है कुछ ऐसा, ब्लॉगिंग चल रहा था तो बीच में आगे मेरे कुछ सब्सक्राइबर जिन्होंने मुझे अभी सब्सक्राइब किया है, और ये भी अब शाम को अपनी वीडियो देखेंगे। तो ये एक दो तीन, ओ एक भाई उधर दिख रहा है कुछ बिजी है। भाई आपका नाम क्या है? मृदुम। आपका? तनब। भाई आपका? विष्णु। और भाई अपना नाम बताना चाहोगे? नमन। बड़े कमज़ोर से बोले, क्या साइकिल चला के मुझे लगता है वो थक चुका है। तो ये कर देना। आपने तो कर दिया, और जो देख रहे हैं वो भी कर देना। ठीक है, और ब्लॉगिंग में मेरा हाथ तंग है, आपको पता मैं स्विमिंग टिप्स देता हूँ, पर ब्लॉगिंग में तंग है, चलो धीरे धीरे सुधर जाएगा। आप शाम को कितने बजे से कितने बजे तक साइकिल चलाते हो, कितने राउंड यहाँ लगाते हो, तो ये बता दो। 6 से 7 बजे तक। 6 से 7 बजे तक, और तेरे कितने राउंड लग जाते हैं? राउंड का कुछ पता नहीं पता। अच्छा, उधर भी ये सिस्टम है? नहीं, वैसे वैसे ही। और ये वाली सड़क कहाँ कहाँ पे है? बस वहाँ से आगे से यहीं पे। नहीं, मतलब जैसे ये यहाँ पे ये वाली सड़क जो कर रखी है, मतलब जैसे ये ब्लॉक कर रखी है ना, करनाल में नहीं, कुरुक्षेत्र में, और कहाँ पे? ये एक ही है, एक ही है, तो एक ही है, मतलब ये कन्फर्म हो गया कि कुरुक्षेत्र में यही है। मैंने सोचा शायद सिटी वाली साइड भी कुछ हो ही सकता है, मतलब ये कन्फर्म नहीं, एक ही बहुत है, ज्यादा बना दिया तो लोग ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे। हाँ, वैसे जैसे सीढ़ी सारे सेक्टरों में मुश्किल हो गया, सीढ़ी में वो ज़्यादा बैठ रहेगा ना। तो अभी जब तूने साइकिल चलाना स्टार्ट किया था, अपना वेट किया था तूने कितना है? नहीं, तो तुझे वेट करना चाहिए था उनके महीने का। अब यहाँ स्टार्ट हुए कितना टाइम हो गया? जब से स्टार्ट हुआ है बस। मतलब कि कितना टाइम हो गया? 1 महीना 2 महीने 3 महीने, मतलब कि यहाँ मुझे 1 महीने के आसपास हो गया ना, मतलब कि मैंने 1 महीने के आसपास यहाँ हो चुका है, यहाँ सारे साइकिल चलाते हैं, वो जने साइकिल चलाते हैं। ठीक है, एक साइकिल बाबा आया था, साइकिल बाबा, अच्छा वैसे तो खैर आते रहते हैं, क्या वीडियो बनाते रहते हैं। तो एक ना ऐसा, एक मिनट रुक जाओ यार, एक थंबनेल ले लो। ये भाई को पूरी डिटेल है, और फिर वो मेरे लगता है वो उसका मेन ब्लॉगिंग चैनल ही इसी नाम से होगा ना अपना, साइकिल बाबा के नाम। हाँ, साइकिल बाबा के नाम से देख लेंगे, मैंने देखा नहीं, वैसे मैं यूट्यूब पे चैनल सर्च मारता नहीं। ओ, यहाँ भैंसे भी सैर करती है, वैसे ये कहाँ गई, वो गई गुम हो गई, भैंसे भी सैर करती है यहाँ पे। लकी भैया
लखा जी ये भी अपने आप को फिट रखने के लिए स्विमिंग साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग बोल रहे हैं साइकिलिंग कर रहे हैं, पर ये बहुत ज़रूरी है। लकी भाई सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, बहुत ज़रूरी है। जिस हाल कोरोना वायरस चल रहा है ना उस हिसाब से फिट रखना अपने को बहुत ज़रूरी है। इससे कुछ होगा थाइज और फेफड़े इसमें तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो लकी भैया जो मैं वीडियो मोबाइल शूट करता हूँ, कई वीडियो इनकी शॉप पर बनाता हूँ और इनकी लक्की स्माइल शॉप है, आप जानते होंगे। कई विले आ चुके हैं, ये भी आ चुके हैं, लक्का साहब भी आ चुके हैं। वो लक्का साहब जी भाग गए साइकिल पे तो ये लक्की भी अभी काफ़ी बार आ चुके हैं। नई वीडियो आई थी अभी, कौन सी बनाई थी मैंने, M01 कोर की। तो अगर आपने नहीं देखी जाके देख सकते हो, उनमें लक्का जी और लक्की भैया, इनकी शॉप का लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लोकल तो आपको पता ही होगा जी, लक्की जी के आपके जानते होंगे। तो आज का ब्लॉगिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अभी बज गए 7 और अभी पूरी सड़क पे हो गई है पूरी भीड़, मतलब कि अभी ऐसे वाले ये होता है ना कि कई थोड़ा धूप सीधे नीचे हो जाए तो तब चलते हैं। तो अब ये पूरी सड़क जो कि जो मैंने बैरियर आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे, तो ये पूरी सड़क भरी हुई है। तो पहले मैंने उधर वाले एंगल लिए, अब मैं इस एंगल से दिखाऊँगा कि मतलब कि पूरी सड़क पर एकदम पूरे सैर करते हैं लोग, क्योंकि सही में सैर करते हैं और ये होना भी चाहिए बॉडी में थोड़ा सा, मतलब कि जिसके पास अब जो बिजनेसमैन है, ठीक है, एग्जांपल के लिए लक्की भैया लक्खा जी, इनके पास कब टाइम होता है? संडे वाले दिन होता है। तो संडे वाले दिन अभी फैमिली के साथ सैर भी हो जाएगी, एंजॉय भी हो जाएगा और एक माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो ये बढ़िया लगा है, ये चीज़ बहुत अच्छी है। सरकार को मतलब कि अप्रिशिएट, मोदी जी जिंदाबाद। कई मोदी को गाली देते हैं क्योंकि वो कांग्रेस ही है, पर इसमें हमने कोई लेना देना नहीं है, वो जैसे मर्जी करें, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर ये चीज़ बहुत अच्छी है, ठीक है ना। साइकिलिंग चलाओ, अपनी एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है साइकिलिंग में। साइकिलिंग नहीं चलानी तो आप पैदल घूम लो, पर यहाँ आके आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये ब्लॉग आपको मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा लगेगा, तो लगे हुए मेहनत करने, मेहनत बहुत लगती है ब्लॉग में। आज मैं वैसे भी पैदल लगाऊंगा, नहीं तो खैर बाइक पे करते हैं। पिछले जो जितने ब्लॉग गए हैं आई थिंक मेरे बाइक पे गए हैं, और वो भी बारिश वाले दिन के गए हुए हैं। बारिश के जितने भी ब्लॉग आ रहे हैं आज से काफ़ी बारिश वाले गए। पिछले एक बार यानी हमने मनीष के साथ एंजॉय की थी उनकी फ्रेंड्स के साथ। तो आज के ब्लॉगिंग का नाम क्या होगा ये भी नहीं पता मुझे, ठीक है। बाकी आज जो भी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, बस चल रहे हैं हम। मतलब ये पूरी सड़क जहाँ तक मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, डबल वे है, दोनों का दोनों एकदम पूरा चल रहा है, ठीक है, भरा हुआ है, ठीक है। और जो सैर कर रहे हैं वो इस साइड कर रहे हैं, तो मतलब कि उधर भी ट्रैक है, साइकिल इधर चल रहे हैं, ठीक है ना, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। तो इधर आपको वो दूर तक दिख रही होगी, वो मतलब कि आपके दिख ही रहेगा, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जूम थोड़ा मतलब कि कैमरा साफ करने वाला है, तो आप देख लिया ना। तो ये नॉर्मल ओके। तो ये आप देख सकते हो इधर से लेके इधर तक जो पैदल चल रहे हैं, वो भी छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सारे जने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी लगी है अभी तो। हाय यूट्यूब क्या होता है। तो यहाँ पे सारे जने सर्च जा रहे हैं और इनकी भैया की ड्यूटी लगी रहती है यहाँ पे, ये चेक कर सकते हो। अब तो बैरियर नहीं है, पर अब काफ़ी जने को पता चल गया कि अब यहाँ ब्लॉक होता है, तो अब ये मतलब कि लगभग स्टॉप लगा दो, इससे ही काम चल जाता है। तो अब हम वहाँ से शूट करने वाले हैं। तो एरिया आप देख सकते हो कि सारा एकदम सही है। तो कैसा लगा ये ब्लॉक, मतलब मैंने ये आपके चक्कर में, मैंने संडे वाले दिन रेस्ट करना होता है, वैसे मैं बहुत चलता हूँ, मेरे एक दिन के 15-16 हज़ार स्टेप हो जाते हैं। तो मैं वो तो पता, पर मेरा पेट पता नहीं कैसे फूलता रहता है।
तो इसका कुछ कर नहीं सकते। अभी मुझे लगी है प्यास तसल्ली वाली। तो चलो आपको थोड़ा सा आगे दिखाते हैं, उसको ब्लॉगिंग का एंड करते हैं। ब्लॉगिंग लंबी हो जाएगी नहीं तो बहुत ज़्यादा, इसलिए। छोरा तूने साइकिल चलाया या पैदल घूमा है? साइकिल कहाँ है तेरी? इसके पापा के फ्रेंड साइकिल लेके चल गए। अब ये बैठ के ग्लूकोज पी रहा है। ओहो बेचारे को पूरा पसीना रखा, थक गया और चिल आउट करा है। बल्कि ये बैठने के लिए लगा है यहाँ पे, ये बहुत बेस्ट है। मतलब कि कुछ नहीं तो ना, अगर आपने सैर भी नहीं करनी यहाँ आके बैठ जाओ, पीछे पेड़ लगे हुए हैं, फ्रेश ताज़ी हवा ले लो, ऑक्सीजन है। तो चलो आपको थोड़ा बैक से, तो अभी देख सकते हो कि बैक में कितनी भीड़ है। मतलब कि काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ के, माइंड फ्रेश हो जाता है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? ये गलियारा के नाम से ना, गलियारा के नाम से है ये सेक्टर 10 और सेक्टर 7 का डिवाइडर है। मतलब कि परली साइड सेक्टर, ये वाली सड़क सेक्टर 10 की है, ये 7 की है डिवाइडर, जिसको 7 और मतलब कि परले हाथ में सेक्टर 10, इधर 7, ठीक है। वैसे ये इधर रतगला आ जाता है। तो ये आप देख सकते हो कि सारे यानी छोटे से छोटा बच्चा जिसको साइकिल चलाना था, वो भी अपना साइकिल चला रहा है, ठीक है। तो ये सारा बहुत बेस्ट है। मतलब कि शाम को सैर करो, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप संडे वाले दिन ही सैर करोगे। संडे वाले दिन सिर्फ मैं ब्लॉग शूट करूँगा, क्योंकि मेरे पास संडे का टाइम होता है, पर आप आ सकते हो, आपको करना चाहिए यहाँ पे। अगर आप लोकल हो, देख रहे हो सेक्टर 7, 13, 14, 15, जब जहाँ पे भी हो। तो अभी इसका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, सड़क आपको पता होगी। एग्जांपल के लिए ये मैं आपको बताऊँ कहाँ पे होगी, रतगल का गुरुद्वारा है ना, तो ये वो वाली सड़क है रतगल के गुरुद्वारे की। तो बस अब देखो लोग, फाइनली मैंने सारा कवर कर लिया। अब लोग ओहो बेचारा बिल्ली मारने के चक्कर में गिर गया। तो मैंने सारा कवर कर लिया अब लोग, और आज के लिए व्लॉग के लिए इतने काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, पर ये एरिया बहुत बढ़िया है। ओहो मेरा, मैंने कैमरा लूज छोड़ दिया, कैमरा गोल गोल घूमने लग गया अपने आप। तो मैंने ये सारा कवर कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहना। और वीडियो में ब्लॉगिंग तो मेरा हाथ तंगी है, आपको पता ही होगा, पर ये छोटे छोटे बच्चे घूम रहे, ये 100 की स्पीड पे आ रहे हैं। हाय कर दो, हाय कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, बाय बाय। एक बच्चा करने लग जाते, सारे बच्चे करने लग जाते। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। बाय फ्रेंड्स, ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी। तो था कि मुझे एरिया दिखाना था, काफ़ी बढ़िया होता है। तो ये चौंक है, मतलब कि यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है जो, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। ये एरिया बहुत बढ़िया है, मतलब कि असल में आप शाम को यहाँ आके सैर करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो ये यहाँ पे इनकी ड्यूटी लगी होती है भैया की, उनकी ड्यूटी लगी है, मतलब कि आप खुद ही करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो इधर पूरी एकदम सही वाला, मतलब कि एकदम सही मज़ा आ जाता है शाम को। आप साइकिलिंग करो, आपको कंपनी होती है साथ में यहाँ पे, बहुत बेस्ट रहता है, बेस्ट। मतलब कि शाम को वैसे मेरे पास टाइम नहीं होता, जब टाइम होता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, सैर करता हूँ, तो अच्छा लगता है। वैसे मैंने आज तक कभी की नहीं है, मैं वीडियो शूट करने आया हूँ, या फिर मैं शॉप से आ रहा हूँ और मैं थोड़ा जल्दी आ गया, या फिर बाइक ले गया थोड़ी देर घूम लेता हूँ बस। पर मैं बाइक के पास ही घूमता हूँ, मुझे कोई भरोसा नहीं होता कौन सा क्रैश मार जाए मेरी बाइक पे। अब शाम हो चुकी है, तो आज के लिए इतने काफ़ी है। ये वीडियो आपको मिलेगी कल परसों, पता नहीं कब मिलेगी, 2 दिन में मिल जाएगी। एडिटिंग कर दूँगा आज रात को अभी ही, पर डालूँ मैं शॉप पर जाके, शॉप पर नेट चल रहा चाहिए। तो बस आज के लिए इतने काफ़ी है, सामने देखना चाहिए। ये मुझे देखती देखती चल रही थी, टुकना जाए। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। बाय, अब हम भी थोड़ी सैर कर लेते हैं गाने सुन के, बल्कि गाने सुन के सैर करने का मज़ा ही अलग है। बाय।